जहरीली शराब को आप बंद कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल शराब से पहले। तो आज सबसे बड़ी समीक्षा ड्रग्स पे, आप गुटखा पर भी कई चीज पर बैंड किए थे, सब ओपन चल रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, हमेशा शराब पर चर्चा क्यों। और मेरा मानना है इस सर्वदलीय और एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाए कि शराब में वो क्या करें। शिक्षा मंत्री जी मानस पर बोल रहे हैं सर, जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि राम और रावण की तुलना की है, रावण को ज्यादा सही बताया जीतन राम मांझी ने। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं और बहुत क्लियर है, रामायण लिखने वाला कौन है, वाल्मीकि के बारे में, रामायण ऑर्थर है वाल्मीकि। तो जो लोग रामायण की या राम की आलोचना करते हैं, क्या उनके घर में वाल्मीकि की तस्वीर लगी है, क्या वो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं, क्या संत रविदास की तस्वीर इन लोगों के घर में लगी है जो शिक्षा मंत्री या जो भी लोग हैं। एक दूसरी चीज, मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं, मेरा मानना साफ है कि आज जो रावण है चर्चा उस पर होनी चाहिए, और आज रावण है नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, पदाधिकारी। हम मांझी साहब से आग्रह करेंगे कि अतीत जो असत्य है वो चला गया, प्रेजेंट में हमारे लिए इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात है, आर्थिक आजादी, 40,000 रुपया महीना हमको कैसे मिलेगा, हमें रोजगार की नौकरी की जो बात आई थी वह कैसे मिलेगा। हम पूछना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि मात्र बिहार में 1% ही, 14 करोड़ का 1%, 8 लाख से भी कम बच्चे मात्र हायर एजुकेशन में जाते हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, और हायर एजुकेशन करने के बाद मात्र 22 से 23% लोगों को ही नौकरी और रोजगार मिलता है, रेस्ट खाली रहते हैं। तो चर्चा यहां होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि आज सबसे बड़ा जनता के जेब का पैसा कौन लूट रहा है, कौन नफरत पैदा कर रहा है।